कैनेडा विच SDS नॉन SDS नू लैके लगभग जो है स्टूडेंट्स नू काफ़ी चीज़ें हुण क्लीयर हो चुकी ने, पर हुण सवाल स्टूडेंट्स के मन में यह बनया होया कि असी कॉलेज इंस्टीट्यूट की चोण किस तरीके नाल करिए कि सारे जिहड़े कैनेडा दे कॉलेजेस ने इंस्टीट्यूट ने ओवरऑल 6 या 2 मॉड्यूल 5.5 बैंड दे नाल SDS विच जो है एडमिशन दे रहे ने, या फिर कुछ सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट्स ने कॉलेजेस ने किवें तुसीं सिलेक्शन सही ढंग नाल करनी है, एक माहिर सलाह अज तुहाडे नाल असीं सांझी करांगे। इसलिए वीडियो तुहाडे लई बहुत ही खास रहने वाली है, जिहड़े भी स्टूडेंट्स कैनेडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करने बारे सोच रहे हैं। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर, तो अच्छी खास गल् खास इनफोरमेन थोड़े तो साझी करेंगे नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्रीकाल। नमस्कार सारियां जी। सो मैम 25-26 सालों का थोड़ा एक्सपीरियंस, चीज़ा बदल दियाँ तुसी बहुत सालों तो देख रहे हो, हर एक कंट्री जो अपने रूल चेंज करती है कुछ ना कुछ चेंजेस आते अपडेट्स आते हैं, स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अज के टाइम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ ने कॉलेजेस नू लैके इंस्टीट्यूट्स नू लैके कि असी एडमिशन लईए तो किहड़ी चीज़ां नू मुख तौर पर ध्यान में रखते हुए असी सिलेक्ट करिए कॉलेज इंस्टीट्यूट, तुसी की कहना चाहोगे? हर जो बहुत साल हो गए तो एक स्ट्रगल मैं देखते हुए कि हर स्टूडेंट की एक आप दी बनाई हुई है कि मैं इत्थे ही जाना है। जी जी, जबकि मेरे ख्याल मैं 25-26 सालों तो यही कह रही हूँ, जेडे बच्चे उस टाइम अजा अपना तो 20 साल पहले की गल करिए या 15 साल पहले की गल करिए, उस टाइम इन्ना सोशल मीडिया नहीं सीगा, इन्नी अवेयरनैस नहीं सी, बच्चे सीधे सीगे है ना, तो असं जिते गाइड करते ना स्टूडेंट ने चले जाना, और मेरे ख्याल 6-6 महीने जो बाद PR हो जाते कोर्स खत्म होंगे, वो इन्ना स्ट्रगल नहीं सीगा। हुण स्टूडेंट की स्पेशली कहिंदा मैं तो जाना ही ब्रम्पटन है ना, मैं जाना ही मिसिस हैगा, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर स्टूडेंट्स उत्थों जाके फोन करते कि हुण चेंज करना है। एक तो मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स नूं ये है कि तुसीं हमेशा जिहड़े प्रोविंशनल जिहदे विच प्रोविंसिस दे विच आ जांदे ना कॉलेजेस दे, जिहड़े जिद्दां सस्केचवन च हो गया, अल्बर्टा च हो गया है ना, वो कॉलेजेस दे विच जाण दी कोशिश करो, तुहाडी सैटलमेंट बहुत ईजी होंदी है और वीज़ा चांसिस भी ज़्यादा होंदे आ। हुण तुसीं जिहड़ा क्वेश्चन पुछिआ कि कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस ही 5.5 लै रहे कि सारे कॉलेजेस नहीं लै रहे, हजे कॉलेजेस हजे मेरे ख्याल एक इनटेक देखणगे उहदे बाद डिसीजन लैणगे, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस जिहड़े शुरू तो एक च 5.5 बैंड लै रहे आ, वो सारे कॉलेजेस हजे भी उन्होंने तो सेम ही है कि हुण भी 5.5 एक च लै रहे हैं, लेकिन जेडे कॉलेजेस लै रहे हैं उन्होंने हुण बहुत जल्दी सीटा खत्म हो रही हैं, बिकॉज जनवरी भी साडा जिहड़ा 80-90% खत्म हो चुकिया, उहदे बाद हुण मई दी सीटा खुल गई हैं, तो जेडे भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो इमीडिएट अप्लाई करन। एक रोला बड़ा मार्केट च कि कैनेडा दे विच जॉब नहीं है, मैं अपने तजुर्बे तो हरजो तुहानूं एक गरंटिड कहनी हाँ कि यही रोला जिहड़ा है ना 2008-09 च आस्ट्रेलिया वास्ते पिया सीगा, 5 साल उधरों उन्होंने बंद रख्या, वीज़ा दिता ही नहीं, और जब खुलिया है तो हुण देखो अज हर बच्चा आस्ट्रेलिया जाना चाहता है। ये टैंपरेरी फेज़ हुंदा किसी भी कंट्री का, 5-7 महीने या 4-6 महीने का हुंदा है, साल का मैक्सीमम साल का हुंदा नहीं है। जिहड़ा बच्चा इस टाइम फायदा उठा जाएगा ना वो फिर वाकई च सुखी रहना, रीज़न बींग कि जिहड़ा ये रोले च फाइलां घट लगनियाँ, घट फाइलां लगनियाँ तो वीज़ा ज़्यादा आना, जब वीज़ा ज़्यादा आएगा नैचुरल है बच्चे का वीज़ा आएगा, और आ गया तो तुसीं देखना 6 महीने बाद कि वह बच्चा खुश रहेगा कि एक गलत अफवाह सी। अफवाह टाइम पीरियड कोई रिसेशन टाइम पीरियड 4-6 महीने तो ज़्यादा नहीं होंगे है, तो इस चीज़ का तुसीं फायदा उठा सकते हो। शायद मैं हर प्रोग्राम च गल कहनी हाँ, कई ना तो मैं ये भी क्या ना सैटल हो गए मेरे तो पैसे वापस लै लैन। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟਿਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
तो इस करके मैं बड़े भरोसे नाल कह सकदी कि इदां दी कोई प्रॉब्लम लंबी नहीं होंदी है। जी ठीक है बिल्कुल। तो मैम इस वेले आपां की देख पा रहे हैं जिवें रिजल्ट सी मैं गल कर लवां जिहड़े हुण रिजल्ट आ भी रहे ने। देखो 100% वीजे आए हैं कैनेडा दे, ईवन टूरिस्ट वीजे काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो इस तो ज़्यादा तुसीं की देखोगे, उन्होंने ये कि टूरिस्ट आए साडी कंट्री दी इकोनॉमी वधिया होए, स्टूडेंट आए, स्टूडेंट आ रहे तो फीस मिल रही है, तो इन्हों को मिनरल्स इन्ना, पेट्रोलियम इन्ना, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इन्ना, तो इन्हों की कंट्री जी लंबे टाइम तक कोई रिसेशन च नहीं जा सकती। ठीक है बिल्कुल। तो हुण तुसीं स्टूडेंट्स नूं की कहना चाहोगे जनवरी इनटेक लिए भी जिहड़े हले डिले ही कर रहे ने, किन्ना कु समां बचा? 80% ते साडे कोल सीटां खत्म हो गईआं, फिर भी जिहड़े बच्चे हजे है वो अप्लाई इमीडिएटली कर सकते। ईवन मैं नर्सिंग दे दूंगी विदाउट मैथ तुहानूं। ओके मतलब कोई भी कॉलेज कैनेडा दे विच जिहड़ी है नर्सिंग विदाउट मैथ नहीं है, बट साडे कोल एक दो कॉलेज है जिहड़े नर्सिंग वो भी सरकारी कॉलेज है। ओके है ना, तो उत्थे असीं तुहानूं ये चीज़ां दे सकते हैं जिहड़ी साडे कोल फैसिलिटी है। जिहड़े बच्चा मैडिकल का बच्चा है आइल्स जिहड़ी है नर्सिंग की एक रिक्वायरमेंट हुंदी है 6.5 नॉट लैस दैन 6 मिनिमम, जबकि आस्ट्रेलिया मैं करूँगी तो 7 बैंड मिनिमम हर च चाहिए, इतने ये भी है कि 6.5 से तुम जा सकते हो। तो नर्सिंग असी तुहानूं दे सकते हैं, बाकी हैल्थ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेम डिवेलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये तो कोर्स असं सारे ही दे सकते। जी बिल्कुल। सो देखो इजली थोड़े लिए कड़ा सही मैच रहेगा उस लिए तो अपने डॉक्यूमेंट्स की असैसमेंट करवानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़े मार्क्स देख के या बाकी थोड़ी प्रोफाइल देख के ही तुम्हें सही चीज़ा गाइड की जा सकदियां ने। इस इन्होंने वीडियोज़ के जरिए असं एक जनरल सलाह सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाने, पर फाइनल तुम डिसीजन लै सकोगे सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की असैसमेंट करवाने तो बाद। तो मैम थोड़ा बहुत बहुत थैंक्स कि तुम आ जड़िया गल्ला खास दस दौ स्टूडेंट्स लिए, काफ़ी जो है जानकारी इन होंगी है तो स्टूडेंट बहुत फायदा भी इन गलों का लेंगे ने। बाकी एक बार फिर तो यही गल जरूर कहूँगी कि थोड़ा स्टूडेंट्स का कोई भी सवाल है तुम जो नंबर डिस्प्लेज उपर कॉल करो, नैविगेटर्स ओवरसीज की टीम के नाल टाइमली कॉन्टैक्ट करो, मैम नू मिल सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स जड़े मैम तो उन्होंने असैसमेंट करवा के सही ऑप्शन जरूर पता करके अगे बढ़ सकते हो। कमेंट सैक्शन में भी तुम अपने सवाल साढ़े जरूर सांझे करो ताकि अगों असी उन्होंने टॉपिक्स के उपर वीडियोज़ लैके आते रहिए, अगों भी होर इनफॉर्मेटिव वीडियोस इसी ढंग नाल तुहाडे लई लैके आंदे रहांगे। अज लई दिओ जी इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।